देश की राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के द्वारका इलाके के मोहन गार्डन क्षेत्र का है। इस इलाके का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वारदात का यह लाइव वीडियो हैरान करने वाला है। इस वीडियो में एक बदमाश दूसरे शख्स के पीछे पिस्टल लेकर भागता हुआ आता है और उसे गोली मारता है। इसके बाद दोबारा गोली मारता है, फिर उसकी बॉडी की तस्वीर लेकर फरार हो जाता है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ जुर्म भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बदमाश हैं। मरने वाला शख्स विकास इलाके का बीसी है। जिस आरोपी ने गोली मारी है वो भी बदमाश है। उसकी पहचान कमल गहलोत के तौर पर की गई है। दोनों के बीच आपसी रंजिश थी। गोली मारने वाला कमल फरार है, उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपी के पिता पवन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पवन गहलोत और उसके बेटे कमल ने मिलकर विकास की हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद कमल फरार हो गया, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने उसे जल्द ही पकड़ने का दावा किया है। दूसरे आरोपी पवन से लगातार पूछताछ की जा रही है। उससे पूछताछ के बाद द्वारका इलाके में दूसरी वारदातों को लेकर भी अहम जानकारी मिल सकती है। मामले में 18 सेकंड का एक वीडियो सामने आया, जिसमें हत्यारा एक पीले रंग की टी शर्ट में नजर आ रहा है और चेहरे पर कपड़ा लपेटे रखा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाथ में बंदूक के साथ एक आदमी का पीछा करते हुए दिख रहा है, फिर गोली मारकर हत्या कर देता है। फुटेज में हत्या के बाद आरोपी ने पॉकेट से फोन निकालता है और मृतक की फोटो खींचकर फरार हो जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।